हेलो गाइस, फिर से स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूं आमेर फोर्ट में, जो आपको मेरे बैक साइड में दिख रहा होगा। यह एक ऐसा रिहायशी महल है जिसको सन 2013 में गिनीज वर्ल्ड बुक में भी शामिल किया गया था। तो कैसे आप यहां पर आ सकते हैं, क्या आपका टूर प्लान होगा, क्या आपके यूजफुल टिप्स हो सकती है, उन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आइए घूमते हैं आमेर फोर्ट। मैं जयपुर पहुंचा भाई बस से, और जयपुर के बस स्टैंड का नाम है सैंदी कैंप। और सैंदी कैंप में उतरते ही मैं सबसे पहले निकल पड़ा पहाड़ों की तरफ इन नज़ारों को देखने के लिए। और इन्हीं पहाड़ों के बीच बना हुआ है आमेर फोर्ट। और इन्हीं सुंदर नज़ारों को देखते देखते मैं सबसे पहले गया आमेर फोर्ट। फिलहाल हम अभी सीढ़ियों की तरफ चल ही रहे हैं। कुछ ऐसा यहाँ का रास्ता है, और पीछे की तरफ आपको कुछ यहाँ से शॉप्स भी आपको दिखने लग जाएंगे। काफ़ी कह सकते कि अच्छा है। तो फिलहाल हम अभी यहाँ से चल ही रहे हैं। वो मेरा दोस्त है, वो वहाँ पर जा रहा है, हो रहा है। तो आमेर फोर्ट में मेरी एंट्री सूरज पोल से हुई, और एंट्री होते ही मुझे राजस्थानी कल्चर इतना शानदार देखने को मिला। तो आपको भी मैं दिखाता हूँ कैसा था। ये जो आप सामने जो दरवाज़ा देख रहे हो, इसे चांदपोल कहा जाता है। अब इसे चांदपोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसकी जो दिशा है वो एकदम चांद की तरफ है। और ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये बोरा, वो है सूरजपोल। इसको सूरजपोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो दरवाज़ा है पूर्व दिशा में, और पूर्व दिशा में क्या हमारा सूरज उदय होता है। तो अभी हम फिलहाल आमेर फोर्ट के अंदर आ चुके हैं, और अब हम टिकट लेने की ओर जा रहे हैं। वो मेरा दोस्त है ना, जो मेरे साथ अरविंद आया था, तो अभी टिकट लेने गया है। और अभी हम फिलहाल इसके अंदर ही आए हैं। अब देखेंगे आगे क्या करेंगे, क्या कुछ है यहाँ पे, क्या देखने लायक है, वो सब मैं आपको दिखाऊँगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब यार ज़रूर ही कर देना। अभी टिकट काउंटर की तरफ हम जा ही रहे हैं। एक्चुअली मास्क लगा लेता हूँ क्योंकि यार यहाँ पर भीड़ भी ज़्यादा है, इसलिए मैं था वहाँ की भीड़ नहीं थी। यार मास्क लगाना कंपलसरी है यहाँ पे, यार इसका भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है। फिलहाल अभी मैंने मास्क लगा लिया और हमने टिकट भी ले लिया। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी है। ये है 200 रुपये लिया है, दोनों कहेंगे एक ही
दो के 200 रुपये लिए हैं। अभी हम फिलहाल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अभी हम वहाँ पर हम जाएंगे। फिलहाल यू हो रहा, अब हम अंदर की ओर जा ही रहे हैं। मास्क लगाना यहाँ पर कंपलसरी है। पहले मैं आपको शीला माता जी के टेंपल में लेके जाता हूँ, तो पहले हम शीला माता जी के टेंपल में चले जाते हैं। यार आपको यहाँ से जो दिख रहा होगा, यहाँ से महल के अंदर आप जा सकते हैं, लेकिन पहले हम जाएंगे शीला माता जी का टेंपल है पास में, पहले हम उधर की ओर जाएंगे। मंदिर में जाने से पहले हमने प्रसाद लिया था। आपको साइड व्यू दिख रहा होगा, ये अंदर जाने का रास्ता है। ये आपको पीछे की तरफ टेंपल दिख रहा होगा, यहाँ से अंदर की ओर जाता जाना जाता है। यार टेंपल के अंदर वीडियो नहीं बनाने दी तो यार मैं आपको ये नहीं दिखा सकता, लेकिन आपको मैं महल के अंदर ले ही जाता हूँ। अभी हम फिलहाल महल के अंदर जा ही रहे हैं। गेट काफ़ी मुझे बड़ा सा दिखाई दे रहा है यहाँ से, वो रहा गेट, चलिए चलते हैं। टूरिस्ट वहाँ पर काफ़ी आ रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं। ये यहाँ का एंट्री गेट है, हम फिलहाल इसके अंदर ही जा रहे हैं। अगर आप हाथी की राइड करना चाहते हो तो आप हाथी की राइड कर सकते हो, और हाथी की एक राइड का आपको पैसा लगेगा 1100 या इससे ज़्यादा भी, वो डिपेंड करेगा कि आप किस टाइम पर आ रहे हो। अगर आप टूरिस्ट सीजन के टाइम में आ रहे हो तो आपका इससे ज़्यादा भी लग सकता है। और इस हाथी की राइड में आपको आमेर फोर्ट के नीचे से लेकर आमेर फोर्ट के एंट्री यानी कि अंदर तक आपको इस हाथी की राइड में छोड़ दिया जाएगा। और अगर आप कार से आमेर फोर्ट के अंदर जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, लेकिन अपनी कार में नहीं, आपको कार रेंट पे लेनी होगी। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में आप देखोगे कि आमेर फोर्ट का दीवाने आम और शीश महल। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।